अभी हमारा स्टॉल शुरू होने वाला है तो यहाँ पे तो सब ने अपने अपने प्रोजेक्ट लगा दिए हैं और सारे धीरे धीरे अपना सेटअप कर रहे हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे लगेगा। और जैसे कि आप देख सकते कितना बड़ा इन्होंने बना रखा है, एक ऐसा मिनी ट्रेड फेयर। और अभी हमारा पॉप आउट हो चुका है क्योंकि दूसरे कॉलेज वालों ने आके हमारी जगह से हमें ही हटा दिया और हमें एक यहाँ पर छोटी सी साइड में लगाना पड़ा। तो ये चीज़ मतलब इतना फील हुआ, मतलब फील करता है एकदम से हुआ कि भाई उनके सर आके एकदम से ऐसे चलाने लग गए, भाई हटाओ हटाओ जल्दी हमारी जगह हमारी जगह। तो इस चक्कर में फिर भाई कहीं हमें टेबल पे भी नहीं मिली और फिर यहाँ पे साइड में लगाना पड़ा। तो फिर हमने टीचर वगैरह सभी कहा कि भाई ऐसा कर रहे हैं वो, तो फिर अब कहा कि भाई कल देखते हैं, अब कल देंगे हमें शायद से टेबल, तो फिर देखते हैं कल भी क्या सीन रहता है। This is the mini form of this drone only. Like if there are many places like in we can say fire places, fire extinguishers, where we can see people where they are where these drones can be seen. जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी आई हुई हैं, तो सब अलग अलग, जैसे वाटर मिनिस्ट्री हो गई, अलग अलग तरह के यहाँ पे स्टॉल लगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेमिंग स्टॉल लगा हुआ है और बाहर यहाँ पे फंक्शन चल रहा है डांस वगैरह का। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कि हम डिफेंस करना सिखाएंगे कि डिफेंस कैसे होता है जब आग पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल लगा हुआ है। और भाई दोस्तों पेट पूजा कैसे चल रही है? ब्लॉग बन रहा है, भंडारा खुल रहा है यहाँ पे।
अरे खाओ खाओ रोटी खा लो खाने में क्या क्या भाई कहा घूमे यहाँ पे तो गेम चल रहा है बहुत भीड़ भड़ाका है क्या बता रहे हैं मुझे बस यही करना आता है अरे भाई स्लो मोशन में आते हैं ऐसे पूरा ऐसे नहीं मैं टूर प्लान देख रहा था ना शिमला शिमला हाँ हाँ वही टार्क तो हमने अभी पढ़ा है क्या टार्क आ गया जो देख लो बच्चे ऐसे होता है टार्क हो गए इधर इधर गाने बनाई नहीं रहा ढंग से अबे नहीं क्या नहीं वैसे हम देख सकते हैं हम यहाँ HRIT में और यहाँ फंक्शन आप देख सकते हैं नेट कोपर का है गामा रेजर्स के अंदर अच्छा तो यहाँ हमें कुछ दिखाने का लायक नहीं हाँ सारी तो बना चुके हैं हम यहाँ पर यहाँ पे सब आलू ले लो आलू ले लो वे मेलोडी पड़ी हुई है मेलोडी हाँ कहाँ है मेरी देख सारे उठा रहे हैं हम भी उठा लेते हैं तेरे को भी खानी है क्या बच्चों वाली चीज कर रहा है यार तू तो भाई टॉफी टॉफी होती है हाँ भाई हाय गाइस चलो सब्सक्राइब कर दो भाई बॉल काट के मेरे को सब्सक्राइब करें साथ में कुछ बच्चे घूम आज के हमने सोचा था पता नहीं क्या क्या होगा एग्जीबिशन में क्या क्या नहीं भाई आज पहले आए थे जिसमें हमने अपना सब प्रोजेक्ट वगैरह रखा था जो हमारा स्टॉल था भाई वहाँ से दूसरे कॉलेज वाले ने आके हमें हटा दिया और हमें कहीं बाहर ऐसे साइड में लगाना पड़ा भाई आज तो मेन कोई देखने भी नहीं आया था इतना इतनी मेहनत से मतलब सुबह से समझा रहा हूँ अब जाके मैंने शाम को खाना खाया है ये एक तरह से इन्होंने एक मिनी ट्रेड फेयर की तरह बना रखा है कि भाई गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज आई हुई है और बाकी सारे गेम स्टॉल प्रोजेक्ट वगैरह वर्किंग मॉडल सब यहाँ पे लगे पड़े हैं अब ये है कि भाई ये लोग ऐसा कर भाई इन्होंने कहा था कि प्राइज़ मिलेगा तुम्हें तो बना लो अब भाई मैं तो प्राइस के चक्कर में करता अब भाई अगर प्राइस नहीं मिलता भाई अगले साल से अगली बार तो मैं नहीं करूँगा ये कॉलेज वालों ने तो पैसे तो लगाया भाई जब अपने खुद के कॉलेज के बच्चों को ये जगह नहीं दे रहे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे फिर भाई बाकी लोगों को कैसे करेंगे भाई इतना तो पहले से इनको अरेंजमेंट करना चाहिए था कि
जब हर बच्चा मॉडल बना के लाया उस हिसाब से फिर पहले जगह दो, या तो पहले बोल देते कि भाई एक क्लास से एक ही मॉडल बनाएगी, सारे बच्चे मत बनाओ। अब ऊपर से इतना मतलब थक भी गए सुबह से शाम तक, अब ये 3 दिन तक चलेगा, आज तो पहला दिन था, अब 2 दिन अब देखते हैं, अब कल शायद से जजेस वगैरह देखे कि भाई उस हिसाब से मार्क्स देंगे। अब भाई मैं तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा सुबह से, मतलब इतना गला भी ख़राब हो गया मेरा, अब देखते हैं कल आते नहीं आते जजेस, तो उस हिसाब से फिर मार्क्स वगैरह मिलेंगे, और फिर मार्क्स के हिसाब से फिर डिसाइड होएगा कि भाई कौन जीता है कौन नहीं। आई होप जीत जाऊँ भाई, इतनी मेहनत की है दिन रात पूरा मॉडल बना के, अब देखते हैं भाई भगवान भरोसे सब कुछ मेहनत की है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।